ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने नाहन शहर और नाहन शिमला नेशनल हाईवे की खस्ता हालत सड़क को लेकर धरना प्रदर्शन किया। नाहन कांग्रेस भवन से ये रैली शुरू हुई। कालीस्थान तालाब के पास कांग्रेसियों ने बैठकर सरकार की नाकामियों को लोगों के सामने रखा। शहर में सड़कों की खस्ता हाल, पानी की समस्या और महंगाई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेसियों का कहना है कि कांग्रेस द्वारा खस्ता हाल सड़कों को लेकर धरने से घबराए नाहन के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने आनन फानन में शहर के गड्ढों को भरवाने का काम किया। कांग्रेस का कहना है कि शहर में लोगों को गंदा पानी पिलाया जा रहा है। उन्होंने पीडब्ल्यूडी व आईपीएच विभाग को चेताया कि नेताओं की चमचागिरी बंद करें, अन्यथा कांग्रेस सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अजय सोलंकी ने कहा कि कांग्रेस के धरने से घबराए नाहन के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने आनन फानन में शहर की खस्ता हालत सड़क को ठीक करने का ड्रामा रचा। लोग अब विधायक की चालबाज को भली भांति से समझ गए हैं। सोलंकी ने कहा कि शहर की सड़कें और गलियां इतनी खराब हो गई हैं कि लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। देखिए, आज नाहन मंडल कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे हमारे मंडल के अध्यक्ष ज्ञानचंद चौधरी जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी ने दो दिन पहले एक आह्वान किया था, ऐलान किया था कि आज 8 तारीख को हम जो धरना देंगे नाहन की सड़कों को लेकर, और जो पानी की व्यवस्था चरमराई हुई है पिछले दिनों से नाहन शहर में और पूरे विधानसभा क्षेत्र में, उसको लेकर और जो राष्ट्रीय स्तर के और प्रदेश स्तर के मुद्दे हैं उन पे लेके भी, क्या महंगाई का मुद्दा है, चाहे वो तानाशाही सरकार जो लखीमपुर में घटना हुई उसके विरोध में, सभी के विरोध में आज हम कांग्रेस पार्टी ने यहाँ धरना दिया। लेकिन विडंबना ये है कि केवल धरने के ऐलान मात्र से ही विधायक साहब इतने बौखला गए कि कल उनको गड्ढे भरवाने के लिए खुद सड़क पे आके वीडियो बनवानी पड़ी। बड़ी शर्म की बात है। ठीक है, हम मानते हैं कि बरसात के दिनों में रिपेयर कार्य नहीं होता, लेकिन बरसातें तो 3 या 4 बरसातें निकल गई है साथियों, आपके सामने है। पिछले 3 वर्षों से कोई रिपेयर नाहन शहर की सड़कों का नहीं हुआ, पूरे विधानसभा क्षेत्रों में सड़कों का बुरा हाल है, और कई कई जो रोड्स पे ऐसे स्पॉट्स हैं जहां एक्सीडेंट होने का बहुत खतरा बना रहता है, और बहुत से एक्सीडेंट हो भी गए हैं। लेकिन जब तक किसी की जान नहीं जाती तब तक प्रशासन और सरकार के जो है जू नहीं रहते। नान शहर में पैदल चलना भी जो लोगों का बहुत मुश्किल हो गया, गलियों में मुख्य मार्ग पर, तो ये विडंबना है। हम चाहते हैं कि नान पहले तो जो नान शहर में सड़कों का कार्य हुआ है इसकी जांच की जाए, किसने दलाली खाई है इन कामों में और किस ठेकेदार ने कार्य किया है उसकी जांच हो, गुणवत्ता के साथ कार्य हुआ है कि नहीं हुआ। इसके अलावा भी नान विधानसभा क्षेत्र में बहुत से रोड ऐसे हैं जहां अभी भी टायरिंग हो रही है और पिछले दिनों भी टायरिंग हुई, 1 महीने के अंदर अंदर वो टायरिंग उखड़ गई है। कौन जिम्मेवार है, कौन सी कंपनियां काम कर रही है टायरिंग का, इन सड़कों के निर्माण में कौन सी कंपनियों के पास काम है, हम चाहते हैं इसकी जांच की जाए, लोगों के समक्ष आए। कौन लोग हैं जो घूसखोरी देकर, दलाली देकर अपने काम हथिया रहे हैं, बड़े बड़े करोड़ों के टेंडर ले रहे हैं, और उनको संरक्षण किसका प्राप्त है, हम चाहते हैं लोगों के सामने, और जल्दी ही हम जनता के समक्ष इसको उजागर करेंगे कि कौन लोग हैं वो, किस नेता का संरक्षण उसे उन्हें प्राप्त है। खनन माफिया पे कौन लोग है, सरेआम खनन हो रहा है, एक एक जिस व्यक्ति ने अपने घर का काम करने के लिए रेता लाना है उसको पूछो कितनी कठिनाई है, लेकिन दिन रात जेसीबी मशीन ने टिपर लगे हुए हैं, वीडियो बना के विभागों को सूचित करते हैं, एसएचओ साहब को मैं खुद फोन करता हूं कंसर्न एरिया के, लेकिन किसी के ऊपर भी 1% कार्रवाई नहीं होती। खनन माफिया को संरक्षण देने वाला कौन है, विधायक साहब के लोग हैं सब जो खनन माफिया कर रहे, शराब माफिया को जो शराब बेच रहे हैं लोग, लोगों के हमारे आने वाली पीढ़ी को जो दूषित कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं,
किनका संरक्षण प्राप्त है हम लोग। हम चाहते हैं कि इस पे अंकुश लगाया जाए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी खुद धर पकड़ करनी शुरू करेगी आज के बाद। चाहे वो माफिया, खनन माफिया के लोग हैं, चाहे वो शराब माफिया के लोग हैं। मैं आपके माध्यम से प्रशासन को आगाह करना चाहता हूं, विशेषकर पीडब्ल्यूडी विभाग और आईपीएच विभाग, जो कि जनता से डायरेक्ट हर रोज का जुड़े रहते हैं। बिजली विभाग आजकल आए दिन दिन में, जिस दिन शटडाउन होता उस दिन तो चलो ठीक है, रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन हर रोज ही शटडाउन जैसी स्थिति बन रही है। बार बार बिजली के कट लगाए जा रहे हैं। पानी की व्यवस्था नाहन शहर में भी पिछले चार दिनों बाधित रही, और आज भी जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली है, सिस्टम है, वो चरमरा गया है। लोगों को जिसको पानी आ रहा है उसको खूब आ रहा है, जिसको नहीं आ रहा बहुत कम आ रहा है। और विधानसभा क्षेत्र में बहुत सी स्कीमें ऐसी हैं, चाहे विक्रमबाग पंचायत है, देवकापुरला पंचायत है, सुरला पंचायत है, नीचे मालो वाला पंचायत, बनकला पंचायत है, ऊपर पंजाल पंचायत है, नैली दीड़ा पंचायत है, जहाँ पर जो लोगों को ये विडम्बना है। साथियों, मैं आपके प्रेस बंधुओं से भी निवेदन करना चाहता हूँ, उन स्कीमों पर आप जाके नज़र मारें, किस तरह का पानी लोगों को पिलाया जा रहा है। पानी में कीड़े आ रहे हैं, रेत आ रहा है, डायरेक्ट नदी से जो है उठाकर लोगों की नलकों में पानी दिया जा रहा है। आज कोई फिल्टर की व्यवस्था नहीं है। वो जो विभाग जो पैसा खर्च करता है उन चीजों पे, वो पैसा कहाँ जा रहा है, किसकी जेब में जा रहा है? तो मेरा निवेदन है आप मीडिया बंधुओं से भी, इस चीज का निरीक्षण करें, स्कीमों पे जाए, फिल्टर्ड पानी लोगों तक स्कीमों में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसके बाद, आज के बाद मैं आगाह करना चाहता हूँ, आने वाले एक महीने के अंदर अंदर सड़कों का और पानी की व्यवस्था ठीक की जाए, और जो स्कीमें डिफंक्ड हैं, जो बिना फिल्टर के पानी आ रहा है उसको दुरुस्त किया जाए, अन्यथा हम खुद जाके वहाँ वीडियोग्राफी करके और उसी स्कीम पे धरना देंगे, उसी खड्डे पे।